रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा। टफ टाइम चल रहा था वो मेरे को याद है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को। जब आपको कॉल आया मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफी। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। ये रिकवरी की यात्रा कठिन है। प्लेयर के नाते तो शायद पुराने आपकी अमानत थी, उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे, ये क्योंकि आपने उस समय काफी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था कि आज आपने इतना कर लिया, जितना कर लिया, तो मुझे हमारे साथी बताते थे। थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इसके पीछे सर नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि एक 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफी टफ टाइम चल रहा था। वो मेरे को याद है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज्यादा दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। बट जब आपको कॉल आया मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो मेरे को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो पिछले 1.5-2 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया था, मैंने दो बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टर से मैंने ओपिनियन लिया था, फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, हम चिंता करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। यार बड़ा 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 गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी माँ मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा, ये मेरा मन में विचार आया था, उसी समय आया था जी, और आपने करके दिखाया जी। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा, मैंने आपसे बात किया, किसी का दोष नहीं, ये मेरा दोष है, ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना कोई भी बहाना निकालता, गड्ढा था, डिगना था, फलाना था, आपने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती थी। शायद ये आपका जीवन के प्रति जो ओपननेस है, और मैं छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ दोस्त, और हर किसी से सीखता हूँ। तो मैं सच बताता हूँ, आपका जीवन देश के पेशेंट्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर बेपक्का बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे जी। और मैं जानता हूं जो विकेट कीपर होते हैं उनकी जो कोचिंग होती है कितनी कठिन होती है, घंटों तक अंगूठे पकड़ा के खड़ा रख देते थे, लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है, तो बहुत बड़ा काम किया है जी, बधाई आपको।